बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक टू शेख एंड द यूट्यूब चैनल वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड आई एम सईद शेख। खवातीन हजरात, आज हमारे साथ मेहमान है, शी इज डॉक्टर एंड वर्किंग ऑन द वेरियस पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। इरफ शेख, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सईद शेख साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। रेक साहब, यू आर बिजी पर्सन, थैंक्स फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। आपका जो कंसर्न था, जो एक बार हमारी एक मुलाकात हुई थी डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेयर आई वाज द ट्रेनर एंड डॉक्टर साहब माशाल्लाह वहां पे सर्टिफाइड प्रैक्टिसशिप हासिल करें, और थोड़ा सा जब मैंने इनका इंट्रो देखा था, आई वाज रियली इंप्रेस्ड। शी इज वर्किंग विद द पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट ऑन वेरियस प्रोजेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, स्पेशली कम्युनिटी प्रोजेक्ट। ये खुद बताएंगी अपने बारे में बड़ी तारफ फिर भी, और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक इतना मैं जरूर बता दूं खवातीन हज़रात, एनीमिया, खून की कमी, ये जब इन्होंने मुझे बताया इसकी स्टैटिस्टिक्स, आई वाज वेरी स्टंट। इस पे अवेयरनेस तो थोड़ी बहुत होती है, काम करने की जरूरत है। स्टैटिस्टिक्स क्या जी, 48% ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया जी, डॉक्टर साहब जरूर बताएंगे, लेकिन मैं आपको अपने एज ए लेमैन, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम टेलिंग यू, खून कमी, बच्चियों में खून की कमी, ये किसी में भी खून की कमी, लेकिन ये पाकिस्तान में खवातीन में ज्यादा पाई जाती है। क्या रीजन है, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताएं, दो तीन चीजें मैंने कही, डॉक्टर साहब बताएं, पहले तो आप अपने बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने एक्सपर्टीज के बारे में वो बता दें, फिर जो अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी थैंक यू, फर्स्ट ऑफ आई एम रियली थैंकफुल एंड प्रिविलेज to be part of today's session, Sheikh Saab, on this Sheikh Hand channel, and this is an excellent platform which you are running for the community awareness. So I'm very excited ke mujhe aapne mauka diya. Briefly, my introduction, I am a clinically trained public health professional, aur mere paas medicine ke baad jo hai wo certain degrees hain, healthcare management ki, public health ki, mashallah, public health policy ki from UK, from Duke University as well, and I had worked with multi-donor bilateral donors in Pakistan on different projects, government ke saath bhi aur private sector ke saath bhi. My previous project was specially targeting women and girls for sexual and reproductive health rights. और उसमें ये जो आपने टॉपिक आज जो सेलेक्ट किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें एनीमिया इन एडोलेसेंट गर्ल्स में। जैसे आपने जो मुझे बताया होंगे, आपकी एक्सपर्टीज के टॉपिक तो काफी थे, लेकिन देन वी सिलेक्टेड दिस विद द म्यूचुअल डिस्कशन, तो आपने भी कहा जी कि इस पे काम की जरूरत है, आई इमीडिएटली सेड यस, क्योंकि कुछ एनजीओ के साथ एज ए ट्रस्टी मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे डॉक्टर के साथ भी इंटरेक्ट रहता है। ये एक वाकई ऐसी चीज है एनीमिया, जिसके बारे में अवेयरनेस टॉक होनी चाहिए, जितनी ज्यादा बात करें डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कम है ये, प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो एनीमिया अगर टेक्निकली टर्म में कहें तो इज अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन विद इन देम इज लोअर देन नॉर्मल। मतलब जो खून है उसमें जो रेड खुलिए होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं टू डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज, जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है। इज इट ओनली फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, या कोई इतने की जेंट्स में भी, ये बच्चों लड़कों में भी ये इशू आ रहा है, ये सफरिंग जो है? ये बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज ये बच्चों में, खवातीन में, और बच्चों में मेल में भी और फीमेल चाइल्ड में भी, और हम एडोलेसेंट मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं, लेकिन गर्ल की इसलिए बिकॉज गर्ल एज यू नो उसमें मेनार्की है, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो एक जो ग्रोथ स्पर्ट जब होती है बच्चे की, लड़के की, सो आफ्टर दैट द बॉय कैन रिकवर फ्रॉम द एनीमिया situation, but girls carry on. In Pakistan there are lots of other issues related to it, so ye bahut important hai anemia, and this is a 10th most serious public health problem. Oh, so 10th most serious public health problem, national level pe aapka exposure hai, aur khas kar community ki is kisam ki problem ke upar, aur especially international donors ke sath aap pe kaam karti hain, aur Pakistan mein bhi aap different project pe kaam kar rahi hain, ye hamare liye bahut hi ezaaz ki baat hai Dr. Saab, ki aaj aap hamare channel pe aayi hain aur apne knowledge हमारे व्यूज के लिए आप शेयर करें। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अगर हम इसको टू मूव इट अ लिटिल बिट अहेड, कि मैं क्यों कहती हूँ कि एडोलेसेंट गर्ल के लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि बच्चियों की रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोनल चेंज हो रही होती है, ठीक है ना? बच्चियों के लिए मतलब रिस्की इसलिए है कि उनके काफी और रीजन है, लेकिन मैं आपको इससे पहले, मैं एक हमारा यहाँ कैंप लगा हुआ था,
लायंस क्लब में हम लोग लगाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम, तो उसमें एक डॉक्टर साहब ने उनको बताया जी कि आपके बीबी आपके यहाँ खून की कमी है आपके में, तो आपके उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब कितने कमी है, परसों मुझे टक लग गया थे तो छोड़ी फिरी थी इतना खून निकला जितनी धार नहीं है, तो उसी कहते कमी है। तो फिर ध्यान है कि ये भी हमारे यहाँ एक इश्यू है कि हमें हम इसको समझ नहीं आती खून की कमी का मकसद है क्या और कौन से सिम्टम है। डॉक्टर साहब जैसे एक आपको टेम्परेचर है उसको चेक करने का सिम्टम आपके पास थर्मामीटर है, तो इसमें जब हम कहते हैं समबडी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया व्हाट आर द सिम्टम्स कि उसका रंग पेल हो जाएगा, उसको सांस की इशू आएगा, ये थोड़े से सिम्टम बताइए, यहाँ से हम शुरू करते हैं फिर हम आगे फिर देखते हैं कि इनको फिर आगे मैनेज कैसे करते हैं। डॉक्टर एक तो आई एम सो ग्लैड कि आपकी भी काफी इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के हवाले से। मैं थोड़ा सा ऐड करूं, जो बहुत कॉमन इसके सिम्टम्स हैं वो कमजोरी वीकनेस फटीग है, ठीक है, डिजीनेस हेडेक्स फील होते हैं, और स्किन की जो रंगत है वो पेल होने लग जाती है, हार्ट बीट इरेगुलर, पीला पीला रंग, पीलाहट जिसे कहते हैं। एक बड़ा अनयूजुअल एक फीचर है जो क्या नॉर्मली मैं बच्चियों में देखती हूँ, उसको कहते हैं पीका। आपको अनयूजुअल क्रेविंग्स होती हैं फॉर आइस, फॉर कोल्ड वाटर, इवन फॉर नॉन फूड आइटम्स एज वेल। लोग पेपर खाते हैं, डर्ट खाते हैं, पेंट खाते हैं, डॉक्टर साहब कागज यानी कागज खाते हैं जी। सो दैट अगेन इंडिकेट्स इफ यू हैव एनी क्रेविंग फॉर नॉन फूड आइटम्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी अवेयरनेस। आप अपना चेक कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड टेस्ट कराएं, बहुत आसान से टेस्ट है जिससे ये आयरन डेफिशिएंसी, बिकॉज 50% ऑफ एनीमिया इज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, शॉर्ट ब्रीदिंग जो है एकदम अक्सर बच्चों को किसी को देखते हैं कि आम चीज क्या है कि भी अचानक उसको उसके जाना सांस रुक गया और थोड़ी देर बाद दिल की धड़कन तेज होगी फिर वो कहते खुद ही ठीक हो जाती है, क्या ये खुद ही ठीक हो जाने ये कुछ सिम्टम है, हम लोग इसकी केयर भी नहीं करते, ये सिम्टम हम कहते नहीं नहीं ऐसे हो जाता है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस टू दीस पेरेंट्स डॉक्टर साहब। ये बहुत अच्छे आपने कुछ सवालात उठाए हैं, क्योंकि हमें हर चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड देन अगेन एडोलेसेंट एज 10 टू 19 इज वेरी हाई रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, तो हमें इसको इस तरह के सिम्टम, एंड देन उस एज में आपके इन्फेक्शन और वॉर्म इन्फेस्टेशन जैसे कहते हैं ना कीड़े हो जाना पेट में, उससे भी एनीमिया हो जाता है, तो आप इन सब चीजों को नोटिस करें तो डॉक्टर से जरूर रुजू करें अगर देयर इज एबनॉर्मल हार्ट बीट। या ये बताइए कि जैसे एक स्टैटिस्टिक्स आप ही ने मुझे बताई थी कि 49% ऑफ वुमेन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया एंड एवरी 8 एडोलेसेंट गर्ल यानी कि जो जवान बच्ची है सफरिंग फ्रॉम एनीमिया पॉसिबली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ दिस पुअर डाइटरी इनटेक जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं अर्ली मैरिजेस की इन मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड पाकिस्तान, एंड यू बीइंग लॉयर आई वुड लाइक टू यू टू एक्सपैंड ऑन इट, इवन दो इन सिंध आई एम नॉट श्योर सही साहब कि देयर इज अ लॉ जिसमें अर्ली मैरिजेस को के लिए कुछ किया जा रहा है, बिकॉज़ इट इज रियली इंपॉर्टेंट, देयर इज अ लॉ प्रेशर एज यू नो कि आपको पता है इफ देयर आर अर्ली मैरिजेस देन देयर आर सोशल प्रेशर इन नॉट डिलेइंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ दीस यंग मैरिड गर्ल्स दे कंसीव सून आफ्टर मैरिज, सो कंसेंट ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी से और आपकी डिमांड बढ़ जाती है आयरन की और एग्रीवेट होता है दिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सो दिस इज अ विशियस साइकिल जैसे आपने कहा, और आप जैसे लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन से ये सिंध में एक लॉ अर्ली मैरिज की प्रिवेंशन का पास हुआ है, दैट अगेन इज इट हैज एन इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स इन पाकिस्तान। सो या ये डेफिशिएंसी जो है वो डेफिनेटली अगर खातून के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है टू हैव अ गुड डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, तो वो फैमिली की सोशो इकोनॉमिक स्टेटा को भी इंडिकेट करती है ना कि किस लेवल पे है। अगर हम ये सजेस्ट तो कर देते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में कि जी आप आयरन रिच फ्रूट खाएं, आप एनिमल बेस्ड फूड खाएं, लेकिन कहाँ से खाएं गरीब लोग, राइट, कहाँ से खाएं, सही बात, सही बात। हमें ये सलूशन बतानी है, गवर्नमेंट को एक्शन लेने हैं, SDG 2 के अंदर गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने स्कूल हेल्थ कुछ प्रोग्राम न्यूट्रिशन पे स्टार्ट किया जहाँ पे सप्लीमेंटेशन दी जा रही है, तो आपने ठीक कहा इसका लॉस जो है ग्लोबली तो कैलकुलेट हुआ हुआ है इकोनॉमिक लॉसेस इवन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कॉग्निटिव एंड प्रोडक्टिविटी पे भी जो है वो कैलकुलेट हुए हैं, सो एज यू नो हेल्थ हैज एन इंपैक्ट ऑन ओवरऑल इकॉनमी एज दैट हैज इंपैक्ट ओवरऑल इकॉनमी। ओके ओके, लेकिन डॉक्टर साहब क्या अब पेरेंट्स को मैंने आपने बता दिया कि आपकी बच्ची को एनीमिया, क्या करेंगे वो, फिर आप उन्हें कोई मेडिसिन दे देंगे वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो उसकी रीच में आती है, फिर हम कह देंगे जी आप डाइट प्लान बनाए नहीं रिच फूड प्लान जैसे भी आप कह रहे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इतनी स्टैटिस्टिक्स बनाने का क्या फायदा क्या है, ये अवेयरनेस है या उसका
फायदा भी होगा, मैं समझता हूँ डेफिनेटली होगा, लेकिन कोई उसमें आप मुझे शायद बता रही थी कि इसकी लो प्राइस कोई मिल रही है हमें आयरन की टेबलेट्स, जो कि हम अगर एक बार बच्चों पेरेंट्स को पता चले तो उन्हें रेगुलर फीचर के तौर पर वुड यू लाइक टू रिकमेंड देम? जी जी बिल्कुल, इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, वो डेफिनेटली फूड फोर्टिफिकेशन है, सप्लीमेंटेशन है, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन भी है, ठीक है ना, जैसे मैंने वर्म्स इन्फेस्टेशन की बात की, तो इसमें खाना चाहिए आयरन, जो मीट है एनिमल बेस्ड मीट है, बीन्स हैं, ठीक है, लीफी वेजिटेबल है, अगर गोश्त मुहैया नहीं है तो लीफी वेजिटेबल है, स्पिनेज है, और फिर ये भी देखना चाहिए कि इसको हम लें विटामिन सी रिच फूड्स के साथ, जैसे कि ऑरेंज हो गया, टोमेटोज हो गए, ठीक है, ये विटामिन सी रिच हैं, कैल्शियम के साथ इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो दूध के साथ इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। बट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इसके साथ क्या क्या होना चाहिए। करेक्शन के लिए आयरन की जो है टैबलेट्स दी जाती थी फॉर आई गेस ऑलमोस्ट लाइक 3 months, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के किस लेवल का एनीमिया है, ठीक है, बट नाउ इंटरनेशनली एक वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, इट्स एन इफेक्टिव मेजर, रनिंग क्वाइट सक्सेसफुली इन नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान में भी इसको स्टार्ट कर दिया गया है, और इट इज अ वेरी लो कॉस्ट, लेस देन अ डॉलर में एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, जिसमें बच्चियों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती हैं, देयर इज अ डे सेट, हफ्ते में एक डे रख लिया जाता है, इट इज वेरी एफिकेसिव पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, इज वेरी इफेक्टिव, और इसको वो कपल करते हैं विद कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एज वेल, ओके ओके, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन भी हो, सही बात है, कम्युनिटी, सही बात। अब पेरेंट्स लिए, जैसे हम अगर अपने देहातों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, वहां पे आपके यहाँ उनके खेती बाड़ी है, सब्जियां उनके घर की होती हैं, फ्रूट भी उनके यहाँ बंडस में है, और दूध मक्खन वगैरह ठीक ठाक होता है, जो हम अभी कैन अज्यूम दैट यूजुअली देहातों में ये चीजें आम होती हैं। अब क्या ये जो मैंने मिक्स बताया, डाइट मिक्स बताया, क्या विद इन दिस रहते हुए भी अपनी डेफिशिएंसी वो ओवरकम कर सकती हैं, या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इस पे ले सकती हैं, अगर डाइट बैलेंसिंग करें, किस तरीके से बैलेंसिंग करें? जी, ये बहुत अच्छा आपने इंडिकेशन किया, और यही रिकमेंडेशन है इवन WHO की भी, कि स्ट्रेटजीज में कि आप डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं, डिफरेंट टाइप्स करके, जैसे गांव में तो बहुत हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं, देन एनिमल बेस्ड भी अवेलेबल हो जाता है, एग्स हैं, पोल्ट्री है, देन देयर इज रेड मीट एज वेल, और जैसे मैंने आपको बताया कि फूड को डाइवर्सिफाई करें, उसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के कॉन्टेंट भी रखें, बट अगेन देयर द नंबर इन पाकिस्तान इज क्वाइट एट अ वेरी रिस्की लेवल, सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो चिपिंग इन विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजी, सो इसमें बड़ी चीप मेडिसिन ये गोलियां हैं, जिनको अगर डॉक्टर के पास चले जाया जाए, इवन गवर्नमेंट की फैसिलिटीज पे चला जाया जाए टाइमली, तो इससे रिकवर होने के सारे चांसेस होते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। ओके, माशाल्लाह, मतलब ये ऑलरेडी इनिशिएटिव्स हैं, ऑलरेडी ये चीजें हैं, सस्ती गोलियां मिल रही हैं आपके पास, इसमें आपने उसकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी करनी है, वरना देहातों में थोड़ा जितना मुझे नॉलेज है, पालक बहुत है, ग्रीन सब्जियां जिसे कहते हैं, इसमें आयरन बहुत होती है, लेकिन एक एक जगह अगर खाते हैं तो रोज पालक ही पकती रहती है, रोज वहां पे साग ही बनता है, बजाय कि जैसे अभी आप फरमा रही हैं कि ये बैलेंस कर लें, अगर हम मिक्स अपनी डाइट पैटर्न कर लेंगे जी, तो डेफिनेटली कई चीजें तो उसी तो मतलब कई चीजें उसी में कवर हो जाएगी। एक्चुअली डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी बातें चल रही हैं, लेकिन कोई दिल तो नहीं करता आपसे कहें कि जी माशाल्लाह, क्योंकि टॉपिक इज सो लेंथी, वी कैन टॉक एंड टॉक ऑन दिस टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड इसी टॉपिक पे करेंगे, क्या आप हमारे पेरेंट्स को एजुकेट कैसे करना चाहेंगी देहातों पे, खासकर देहाती इलाके में जा के भी उनको हम कैसे अवेयरनेस देंगे, फिर जब शहरों में भी, अब अभी तक हमने शहरों में नहीं आया, अभी तो हम देहात की बात करेंगे, शहरों में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो फोर्डिंग तबका हम कह सकते हैं, उनके लिए क्या चीजें हैं, कौन सी मेडिसिन है, कौन से सप्लीमेंट्स हैं, वो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब नेक्स्ट वीडियो पे, कि क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं यंगस्टर को लेने चाहिए, क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं जो पेरेंट्स हैं हर एज के लोगों को लेने चाहिए, ताकि अपने अंदर ये जो डेफिशिएंसी है एनीमिया की या आयरन की कमी, ये जो अफेक्टिंग योर हेल्थ है, सो अफेक्टिंग योर फटीगनेस का एहसास जैसे आप कहते हैं, फिर स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, तो ताकि ये इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट एपिसोड विल बी फॉर आवर वी टॉकिंग अबाउट द सप्लीमेंट रिकमेंडेशन, वुड इट बी ओके डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल, जो बहुत अहम हो यू वांट टू ऐड फॉर आवर व्यूज डॉक्टर साहब? I think हमने almost we have covered all the elements, और आपने जैसे कहा कि we'll talk later on the series of other
एपिसोड्स, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू डॉक्टर इरम शेख, हमारे साथ थी, हमें बता रही थी अबाउट दी एनीमिया और डेफिशिएंसी एंड फिर उसकी प्रिवेंटिव कैसे की जा सकती है। बिजार है एक एपिसोड में खवातीन उजरा वी कांट कवर सो मच। नेक्स्ट एपिसोड की दरखास्त की है, अगले हफ्ते वो भी साथ इंशाल्लाह उस पर करेंगे काम और उसमें भी फिर वो सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे कौन कौन से बेहतर सप्लीमेंट्स हैं तो जो कि वी कैन ऐड ऑन हमारे एज ए पार्ट ऑफ अवर रूटीन डाइट। डॉक्टर साहब हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।